बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जॉब्स को लेकर, सैलरीज को लेकर। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कनाडा के अंदर कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 के बाद, जो कि हर कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आया, कितने लोग अपनी जॉब से फारिग हो चुके थे, फ्रेंड्स अब यहाँ पर कनाडा के अंदर कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनके अंदर अभी इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड चल रही है। अगर आपका ऑक्यूपेशन इनके अंदर मौजूद है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल पाए, और अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें मौजूद नहीं है और अगर आपका इंटरेस्ट है इन फील्ड्स के अंदर, तो आप बिल्कुल इसके बारे में सीख सकते हो और फिर कनाडा में इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजदीक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड्स, ये बताने का मकसद ही यही है ताकि लोगों को ये चीज़ समझ आ सके कि अभी सबसे ज़्यादा कनाडा के अंदर हाई डिमांडेड ऑक्यूपेशंस कौन से हैं। नंबर वन की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर है आईटी और डेवलपर। दोस्तों इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि आप जानते हो कि कोविड-19 आने की वजह से लोग फिजिकली दुकानों पे या कहीं पे भी नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हर एक लोगों को वेबसाइट की या एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके तहत डेवलपर्स की और आईटी प्रोफेशंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर मौजूद है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप अभी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको 90% चांसेस हैं कि जॉब मिल पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेबसाइट जो बनाना जानते हैं या एप्लीकेशंस बनाना जानते हैं, डेवलपर्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस वक्त कनाडा के अंदर, और इनको जो सैलरी दी जा रही है वो तकरीबन 100,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 150,000 कैनेडियन डॉलर तक। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जाए नंबर टू के ऊपर तो ये है रिटेलर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि आजकल जो लोग हैं वो बड़े बड़े मार्ट जाना पसंद नहीं कर रहे कोविड-19 की वजह से। वो कोशिश ये करते हैं कि अपने इलाके से जो छोटे मोटे मार्ट हैं वहीं से वो शॉपिंग कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, उसी की वजह से कैशियर्स की और सेल्समैन की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप किसी मार्ट वगैरह में अप्लाई करते हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल पाए, क्योंकि इस वक्त सेल्समैन की और कैशियर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और इनको जो सैलरी दी जाती है वो 30,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 50,000 कैनेडियन डॉलर तक दी जाती है। नंबर थ्री के ऊपर बात की जाए तो यह है हेल्थ केयर। दोस्तों इस वक्त हेल्थ केयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और ख़ासकर नर्सेस को लेकर। जो भी रजिस्टर्ड नर्सेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सेस की है। अगर आप हेल्थ केयर के शोबे में देखो तो हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस काम करते हैं, तो हेल्थ केयर के अंदर सारे ऑक्यूपेशंस की डिमांड है, लेकिन इस वक्त नर्सेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जिनको सैलरी दी जाती है 50,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 90,000 कैनेडियन डॉलर तक। उसके बाद फ्रेंड्स बात की जाए नंबर फोर पे तो यहाँ पर है ट्रक ड्राइवर। दोस्तों ट्रक ड्राइवर की कनाडा में हमेशा से डिमांड रही है, और जब से कोविड-19 आया है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों मार्ट वगैरह है, जितने छोटे छोटे मार्ट्स हैं वो पहले हफ्ते दो हफ्ते में एक बार सामान मंगवाया करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर दो दो तीन तीन दिन के अंदर उनके काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा कंटेनर आते हैं, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर्स की इस वक्त डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ताकि टाइम टू टाइम डिलीवरी हो पाए। तो फ्रेंड्स, इनको जो सैलरी दी जाती है वो 70,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 90,000 कैनेडियन डॉलर तक दी जाती है। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स नंबर फाइव की तो ये है कॉल सेंटर। फ्रेंड्स, कॉल सेंटर की भी डिमांड इसीलिए बढ़ चुकी है क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं और घर से बैठ के ही हर चीज़ का ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो ईमेल सपोर्ट हो या लाइव कॉल सपोर्ट हो, हर चीज़ की डिमांड बढ़ चुकी है। इसीलिए इस वक्त कॉल सेंटर्स वालों की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, खासकर होटल फील्ड में और किसी ट्रैवल फील्ड के अंदर, लाइक टिकट्स वगैरह बुकिंग करने में या होटल वगैरह बुकिंग करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। इनको जो सैलरी दी जाती है वो बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि ये जो फील्ड है इसके अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ ही में ना ही किसी ऐसी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इनकी जो सैलरी है वो 30,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 50,000 कैनेडियन डॉलर तक दी जाती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जाए नंबर सिक्स की,
तो ये है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मैनेजर। फ्रेंड्स, इसकी तो हर जगह पे डिमांड बढ़ चुकी है। आप किसी भी कंट्री में देख लो, डिजिटल मार्केटर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी जितने भी बिजनेस थे या छोटी छोटी दुकानें थी, अब उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ रही है डिजिटल मार्केटर्स की, ताकि वो उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग करें और उनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहें, उनका काम चलता रहे। जिसकी वजह से इस वक्त कनाडा के अंदर भी डिजिटल मार्केटर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। इनको जो सैलरी दी जा रही है वो तकरीबन 60,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 100,000 कैनेडियन डॉलर तक है। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स नंबर 7 की, तो यहाँ पर है अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, अकाउंटेंट की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को इनकी ज़रूरत पड़ रही है, जिसके तहत इनको जो सैलरी दी जा रही है वो 70,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 100,000 कैनेडियन डॉलर तक दी जा रही है। नंबर 8 के ऊपर है फ्रेंड्स आईटी सपोर्ट। फ्रेंड्स, इस वक्त आईटी सपोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि हर कंपनी की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो वीडियो मीटिंग्स हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, साथ ही में उनको वीपीएन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, जिसके तहत उनको आईटी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह अप टू डेट रहें। इसीलिए उनको जो सैलरी दी जा रही है वो 45,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 65,000 कैनेडियन डॉलर तक दी जा रही है। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर 9 की बात की जाए तो ये है वेयरहाउस वर्कर। फ्रेंड्स, उसके अंदर चाहे पिकर हो या पैकर हो, सबकी जो है वो नीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो हफ्ते के अंदर माल जाता था वो अब रोज़ के रोज़ जा रहा है, जिसकी वजह से पैकिंग की, पैकर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। इसी की वजह से इनको जो सैलरी दी जा रही है अभी इस वक्त वो 40,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 65,000 कैनेडियन डॉलर तक दी जा रही है। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स नंबर 10 की, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, इनकी डिमांड भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इनको भी अभी जो सैलरी दी जा रही है वो 65,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 85,000 कैनेडियन डॉलर तक दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी डिमांड कोविड 19 के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर मौजूद है और आप इन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको गारंटी जॉब मिल सकती है। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है और अगर आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर इंटरेस्ट है कि आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, तो आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए और फिर उसके बाद अप्लाई करना चाहिए इन जॉब्स के लिए। क्योंकि दोस्तों, अब ये जो काम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, डिजिटल मार्केटर का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहेगी। आईटी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहेगी, डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी, ये ऑक्यूपेशन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते और इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं कनाडा के अंदर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।